Hello, welcome students. In this chapter, we are going to discuss the most important topic of chemical bonding, and that is Fajan's rule. तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में नीट JEE में इसके ऊपर से आते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वो आज हम सीखने जा रहे हैं. तो पहले तो सीखेंगे ये फजान क्या है, क्या है इसने क्या दिया. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ फजान्स रूल? तो एक्चुअली द फजान वॉज द साइंटिस्ट. ही सेड दैट आयनिक कंपाउंड इज नॉट अ कम्प्लीटली आयनिक, देर इज अ कोवेलेंट नेचर इन द आयनिक कंपाउंड. नाउ इट मीन्स NaCl इज देयर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट दिस NaCl इज नॉट कम्प्लीटली आयनिक, देर इज सर्टेन कोवेलेंट नेचर इज देयर इन द आयनिक कंपाउंड. सो दिस percentage of covalent nature was given by this scientist, that is Fajan. So in NEET and JEE this type of MCQ comes, that NaCl, KCl hai, LiCl hai, isme se kiska covalent nature sabse zyada hai. To aise questions hame Fajan's rule se solve kar sakte hain. Dusre question aise bhi aate hain ki inki solubility kya hai, kaun sabse zyada soluble hai. ऐसे ही दूसरा ऑप्शन ये ले सकते हैं NaF, NaCl, NaBr, इन सब में से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों. अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मैं गारंटी देता हूँ सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे. चलो लेट स्टार्ट करते हैं कि फजान रूल है क्या. तो एक्चुअली यू नो दैट वॉट इज़ आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड इज़ वॉट द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज़ कंसिडर एज वॉट? आयनिक बॉन्ड. क्लियर? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ इन द आयनिक बॉन्ड देयर इज वन कैट आयन एंड अनदर वन इज व्हाट? एन आयन. सो यू नो दैट एन आयन्स आर जनरली बिगर इन साइज. सो यू नो दैट इन द एन आयन्स देयर आर इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एवरीवेयर लाइक दिस. ओके, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर? तो नेगेटिव आयन के अंदर. और पॉजिटिव आयन के अंदर क्या होगा? उतना पॉजिटिव चार्ज होगा. तो बच्चों इन्होंने आयनिक बॉन्ड तो बना दिया है, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक तो आ गए हैं, बट अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका ये नेगेटिव चार्ज के पर अट्रैक्शन होगा. सो ये शेप पे ही नेगेटिव आयन का स्फेरिकल है, बट जैसे जैसे ये अट्रैक्शन होगा ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, इसका शेप स्फेरिकल नहीं रह रहा. इसका शेप स्फेरिकल होने से ऐसा डिफॉर्म हो जाता है. तो ये जो शेप जो डिफॉर्म हो गया उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन. दिस प्रोसेस इज कंसिडर एज व्हाट? पोलराइजेशन. एंड ये पोलराइजेशन होता है तो ये दिखाता है कि भाई ये लोग इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं. इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि भाई आयनिक कंपाउंड जो है वो थोड़ा बहुत कोवेलेंट नेचर भी दिखाता है. समझ में आया बच्चों? ओके, तो हमें ये देखना है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर पोलराइजिंग पावर, मैं उसे PP बुलाऊंगा, अगर उसका पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा है उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. इट मीन्स उतना वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा. ओके, तो आपको पता चल गया कि भाई जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा. ओके, तो हमें सब पता है कि भाई हम कैसे कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस. तो चलो सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस. ओके, तो उसके वो पहले तो पोलराइजिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो फर्स्ट बात करते हैं कैट आयन की. तो भाई पोलराइजिंग पावर जो है वो फर्स्ट फैक्टर ऑफ कैट आयन इज़ साइज. तो आप मुझे बताओ कि भाई पोलराइजिंग की साइज़, इट मीन्स अगर कैटायन की साइज़ छोटी होगी तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कि बड़ी होगी तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा? तो मैं सिंपल कह सकता हूँ, चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको. अलग अलग साइज़ के कैटायन देता हूँ, इसके अंदर 4 जितना पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर भी 4 जितना पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर भी 4 जितना पॉजिटिव चार्ज है. तो बच्चों आप कह सकते हो जितना साइज छोटा है उतना उसका चार्ज का डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि भाई जितना साइज़ छोटा होगा तो उतना वो ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा. तो उतना उसका नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा.
तो आप कह सकते हो इसलिए इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा ज़्यादा एंड उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा ज़्यादा। तो फर्स्ट फैक्टर आता है साइज़। तो हमें पता चल गया अगर कैट आयन का साइज़ कम है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा ज़्यादा होगा। अभी दूसरा फैक्टर आता है जो कहते हैं चार्ज। तो भाई चार्ज कौन सा फैक्टर है, तो आपको सिंपल पता है, आप कह सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा ज़्यादा एंड उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा ज़्यादा होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ Na प्लस है एंड Ba प्लस टू है, किसका चार्ज ज़्यादा है Ba प्लस टू का, तो इसका पोलराइजिंग पावर ऑफकोर्स Na प्लस से ऑलवेज क्या होगा ज़्यादा होगा। बट ये थर्ड जो बच्चों ये बात है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट इज़ PNGC। तो व्हाट इज़ दिस PNGC, तो PNGC इज स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, तो बच्चों यू ऑल आर फेमिलियर अबाउट द नोबल गैस। तो नोबल गैस भाई अवर पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है उसको हम नोबल गैस कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होता है NH2NP6। बट ये PNGC से ऐसा कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन होता है NH2NP6ND10। ये बहुत जानने वाली बात है NH2NP6ND10 मीन्स ये कैसे, जनरली हमने देखा है कि N-1D-10 होता है, बराबर ना बच्चों। बट इधर ये क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, अगर NH2NP6ND10 है तो उसे स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कहेंगे। जैसे हो सकता है 3S2 3P6 3D10 है तो उसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कहते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते बच्चों, ओके। तो चलो PNGC का एक फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते। तो पहले बात करते हैं कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एक्सेप्शनल केस है तो 4s1 3d10 होगा, ओके। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ Cu+ की, तो आप ये कह सकते हो Cu+ मीन्स इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, 4s में से जाएगा, आपको पता है ये। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d10, तो आप देख सकते हो NH2NP6ND10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन आया। तो बच्चों Cu+ हमारा क्या बन जाएगा, PNGC बन जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो भी PNGC होगा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, एंड उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो भाई मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, आपको याद रखना है Cu+ Ag+ एंड Au+, ये तीनों जो है वो PNGC, इसमें 3 है N, इसमें N4 है, इसमें N5 है। ऐसा दूसरा एग्जांपल है Zn+2 Hg+2 एंड Cd+2। तो ये जो जितने भी कंपाउंड है इसमें भी N की वैल्यू क्या है 3, इसमें भी N की वैल्यू 4 और इसमें N की वैल्यू 5। ये कैसे आया Zn, तो Zn की एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखने जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d10। तो Zn+2 की बात करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन 4s में से चले जाएंगे, तो इसमें भी आपको बच्चों क्या मिलेगा 3s2 3p6 3d10। ये हमारा क्या हो गया, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन हो गया। तो ऑलवेज याद रखना भी स्यूडो नोबल गैस है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी क्या रहेगी ज़्यादा, उतना उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलो अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एनायन की। तो एन आयन में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो एन आयन का फर्स्ट फैक्टर होता है साइज़। आप ही मुझे बताओ, अभी एन आयन है, साइज़ ले लेते अलग अलग, तो आप मुझे ये बताओ कौन सी साइज़ का पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो आप मुझे कह सकते हो आराम से कि भाई जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना डीफॉर्म शेप भी क्या होगा बच्चों ज़्यादा। तो जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा ज़्यादा, ओके, एंड उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा ज़्यादा। अभी सेकेंड फैक्टर देखते हैं,
एन आयन के अंदर दैट इज़ चार्ज. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट चार्ज जितना ज़्यादा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा एंड उतना उसका कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा ज़्यादा. तो आप कह सकते हो कैट आयन के अंदर हमने देखा ओके, तो मेनली कैट आयन के अंदर दो फैक्टर थे. पहला क्या था, कौन था, साइज. भाई साइज जितनी कम उतना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा. किसकी साइज, कैट आयन की साइज. उसमें चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा था. एंड पीएनजीसी हो तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या है, सबसे ज़्यादा. फिर हमने देखा एन आयन, एन आयन की साइज जितनी बड़ी उतना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा एंड उसका चार्ज जितना ज़्यादा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा. क्लियर. तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसे हमने इधर बनाया है, देख लेना ध्यान से, कि भाई पोलराइजिंग पावर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. कौन सी, एक डिपेंड करता है कैट आयन पे और एक डिपेंड करता है एन आयन पे. तो हम कह सकते हैं कैट आयन का साइज़ जितना कम उतना पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा. फिर मैं कह सकता हूँ जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, ज़्यादा. एंड अगर पीएनजीसी है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा. एन आयन के अंदर वही क्या होगा, साइज़ जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा. एंड चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा. आपको पता है पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, ज़्यादा. एंड उसका आयनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, कम. ओके. उसके अलावा एक दूसरे जो दो पॉइंट जो है वो हमेशा याद रखना. उसका दो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा, उतना उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा. उतना उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम. एंड सॉल्युबिलिटी के बाद ऑलवेज रिमेंबर दैट उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम. उतना कम होता है उसका, उतना कलर इम्पार्टिंग नेचर ज़्यादा होता है. सब एमसीक्यू देखेंगे, टेंशन मत लो. कलर इम्पार्टिंग नेचर उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा. चलो अभी पहले ये सब हम याद कर लो, बच्चों लिख लो, नोट्स बना दे रहना. अभी फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. एलआईसीएल है, एनएसीएल है एंड दूसरी बात करते हैं केसीएल. ये तीनों में से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है. तो भाई सबके अंदर नेगेटिव आयन तो सेम है, सीएल सीएल सीएल, तो उसको तो हम देखेंगे नहीं. तो भाई मेन फैक्टर कौन आएगा, कैट आयन. कैट आयन एलआई है तो एलआई इसमें एलआई प्लस है, इसमें एनए प्लस है एंड इसमें क्या है, के प्लस. तो आप कह सकते हो तो भाई चार्ज तो फैक्टर रहने वाला नहीं है, पीएनजीसी भी नहीं है. तो आप कह सकते हो साइज विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर. तो एलआई एनए के एक ही ग्रुप के एलिमेंट, तो आपको पता है कि भाई जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज़ क्या होता है, बढ़ता है. तो भाई जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा ऐसे ऐसे पोलराइजिंग पावर क्या होता जाएगा, कम. जिसका साइज़ कम हमने पढ़ा इधर, जो कैट आयन का साइज़ कम है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा. तो आप कह सकते हो इधर एल आई सी एल का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज़ सबसे कम है, फिर एन ए सी एल, फिर के सी एल. तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा, एल आई सी एल होगा. है एकदम आसान बच्चों, इतना याद कर लिया. सेकेंड एम सी क्यू देखते हैं. एन ए एफ, एन ए सी एल, एन ए बी आर, ये तीनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा. इट मीन्स ऐसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट इन नेचर. इट मीन्स हाइएस्ट कोवेलेंट नेचर इज दैट. तो भाई इसमें एन ए कॉमन है, इट मीन्स कैट आयन कॉमन है. तो नेगेटिव आयन देखते हैं, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस इवन. तो चार्ज इज ऑल्सो द सेम, तो डिटर्मिनिंग फैक्टर विल बी द साइज. भाई एन आयन है, एन आयन का साइज जितना ज़्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा. तो इसमें ये आ गया भाई, है एकदम आसान. तीसरा एम सी क्यू देखते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं चलो इसको. अभी बात करते हैं एम जी सी एल टू, बी ए सी एल टू एंड बी सी एल टू, ये सब में सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी. चलो तो मैंने बताया जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी कम. तो हमें क्या देखना है, पोलराइजिंग पावर किसका क्या होगा, सबसे कम होगा.
तो चलो इसमें भी नेगेटिव आयन तो क्या रह रहा है, सेम रहे Cl, Cl एंड Cl, नेगेटिव आयन तो सेम है। तो इधर चार्ज देख लेते हैं कैट आयन का, Mg प्लस टू है, इधर भी क्या है Ba प्लस टू, इधर भी क्या है Be प्लस टू। तो भाई साइज विल बी द डिटर्मिनिंग फैक्टर, तो ये टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज़ क्या होगा डिक्रीज। तो सबसे कम साइज़ किसका होगा, बेरिलियम, उससे ज़्यादा बेरियम एंड उससे ज़्यादा सॉरी उससे बेरिलियम से ज़्यादा किसका होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा किसका होगा बेरियम। इट मीन्स आप कह सकते हो जितना साइज़ कम होगा कैटायन का उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तो इधर बी सी एल टू का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, फिर एम जी सी एल टू का होगा ना, सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसका होगा, बी ए सी एल टू का होगा सबसे कम, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो बी ए सी एल टू होगा। चलो चौथा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अगर ऐसा पूछ लिया पी बी सी एल टू एंड पी बी आई टू, तो इसमें से कौन कलरलेस होगा एंड कौन सा येलो कलर का कंपाउंड होगा, तो आप कह सकते हो पी बी, पी बी कॉमन रह रहे, इज इट क्लियर। तो इधर सी एल है सी एल माइनस और इधर आई माइनस, तो इसमें कलर इम्पार्टिंग नेचर देखना पड़ेगा। तो इधर रिलेशन दिया है कि पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा उतना कलर इम्पार्टिंग नेचर क्या होगा ज़्यादा। तो अभी सी एल माइनस आई माइनस नेगेटिव आयन है, साइज जितना ज़्यादा उतना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो पी बी आई टू का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, तो कलर इम्पार्टिंग नेचर भी उसका ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो कौन से कलर का होगा, डार्क येल्लो कलर का होगा। बराबर, हमें पता चल गया कौन से कलर का होगा, डार्क येल्लो कलर का होगा। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा ले लेते, लास्ट एग्जांपल, एंड वो है एस एन सी एल टू एंड एस एन सी एल फोर। अगर आपको ऐसा फाइंड करना है किसका कोवेलेंट नेचर सबसे ज़्यादा, तो सी एल, सी एल तो कॉमन है, बट इधर एस एन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है, एंड हियर एस एन एज एस एन इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लस फोर। तो भाई भले सेम है कैटायन, बट दोनों का चार्ज क्या है, अलग अलग। तो आपको पता है जिसका चार्ज जितना ज़्यादा उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर उतना क्या होगा ज़्यादा। तो एस एन सी एल फोर जो है वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे हम सारे एम सी क्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होप आप सभी को पता चल गया होगा, फिर से बता दे रहा हूँ, कभी फजान रूल से बहुत सारे एम सी क्यू सॉल्व कर सकते हैं, JEE नीट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके बच्चों, प्लीज़ ये सारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहना, एंड नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए वीडियो में जल्द ही जल्द बनाता रहूँगा।